बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ असद याकूब। आज मैं एक अपनी बनाई हुई कहानी के ज़रिए आपसे एक इल्म की बात शेयर करूँगा। एक दफ़ा एक शख्स जंगल से गुज़र रहा था और उस जंगल में बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे जिनकी शाखें कई दूर तक फैली हुई थीं और उसका जो साया है वो बहुत घना था। उस शख्स को एक दरख्त के कदमों में, एक दरख्त के नीचे कुछ बीज मिले जो कि उसी दरख्त के मालूम होते थे। जब वो शख्स घर आया तो सोचता रहा कि मैं इन बीजों को मुख्तलिफ जगहों पे लगाऊंगा ताकि मैं भी इतने बड़े बड़े दरख्त उगा सकूं और फिर उन दरख्तों से मुझे साया भी मिलेगा, उनकी जो छाल है उससे मुझे लकड़ी भी मिलेगी और बहुत सारे लोगों को और मुझे इससे फ़ायदा होगा। तो उसने क्या किया, उन बीजों में से एक बीज लिया और बेयकीनी की सूरत हाल में उसने उस बीज को बो दिया कि पता नहीं ये बीज परवान चढ़ेगा भी कि नहीं, पता नहीं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ठीक होंगी भी कि नहीं, पता नहीं इसको कोई पानी भी मैं प्रॉपरली दे सकूंगा या नहीं, और शायद हो भी सकता है कि ये बीज पौधा बनते ही मुरझा जाए। तो इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल में उसने एक बीज को बो दिया और बाकी के बीज अपनी अलमारी में रख दिए। कुछ अरसे तक उसने उस बीज की देखभाल की, लेकिन फिर उसे अपने रोज़गार के सिलसिले में एक और मुल्क में जाना पड़ा और जब वो 5 साल के बाद उस मुल्क से वापस आया तो वो क्या देखता है कि उनके गांव का सबसे बड़ा दरख्त वही दरख्त है जिसका बीज इस शख्स ने बोया था। अब उसे बड़ा अफसोस हुआ कि 5 साल का अरसा गुजर गया और जब उसने अपनी अलमारी में देखा तो बाकी के बीज वहीं पे उसी तरह से पड़े हुए थे। उस शख्स को बहुत नदामत भी हुई, बहुत अफसोस भी हुआ कि अगर मैं इन सारे बीजों को बो देता तो इस वक्त इस इलाके में बड़े बड़े दरख्तों की भरमार हो जानी थी जिसका लोगों को बहुत फ़ायदा होना था। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं बीज की तरह, और हम लोग बहुत सारे आइडियाज़ को तो वैसे ही फ्लश कर देते हैं, उन पे कोई अमल नहीं करते, लेकिन उनमें से कोई एक आध आइडिया है जिसको हम बीज को बो देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं और 5 साल बाद जब वो हमारा आइडिया फ्लॉरिश कर जाता है तो फिर हम सोचते हैं काश मैंने अपने दूसरे आइडियाज़ पे भी अमल किया होता तो इस वक्त मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती। तो ज़रा गौर कीजिए कि जो आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं बिल्कुल ये बीजों की तरह हैं। अगर आपने इनको बोया, पानी दिया, रोशनी दी, अगर आपने इनकी गोडी की, अगर आपने प्रॉपरली इनका ध्यान रखा तो ये आइडियाज एक दिन परवान चढ़ के इतना बड़ा दरख्त बन जाएंगे कि आपकी जिंदगी को सरसब्जो शादाब भी कर देंगे और आपकी जिंदगी में कभी आपको गर्म धूप नहीं लगने देंगे। एनीवेज, आइडियाज़ को हमेशा वैल्यू करें और जब भी दिमाग में कोई आइडिया आए उसको एग्जीक्यूट करें ताकि वो बीज और उस बीज के अंदर जो इतना बड़ा दरख्त छुपा हुआ है वो परवान चढ़ पाए और आपकी ज़िंदगी में तरक्की आ जाए। असद याकूब ट्रूली विशेज यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।